हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग आ चुके हैं मेरे पहले ही। भूमिका शर्मा सर नवोदय, अच्छा हाँ, होमवर्क दिया था ना आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले होमवर्क चेक कर लेते हैं सभी लोगों का। भूमिका ने होमवर्क सबमिट किया है। कुणाल राठौड़ गुड मॉर्निंग, निशांत गुड मॉर्निंग ही कर रहा है, अर्नव भी गुड मॉर्निंग कर रहा है। समृद्धि अग्रवाल ने कुछ दिया है आंसर। समृद्धि अग्रवाल ने सही होमवर्क सबमिट किया है। इट इज़ एन इंडियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इट प्रोमोटेड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ओके ओके। कुणाल राठौड़, अनु चौहान ने भी किया है। ओके, यूट्यूब पे देख लेते हैं कितने लोगों का होमवर्क है। आर्यजीत आनंद ने किया है, ठीक है। जे नंदल, नव विधान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड 1987 इन कर्नाटका, इट वॉज स्टार्टेड बाई वुमन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज सीड सेविंग मूवमेंट। ठीक है आर्यजीत आनंद, स्टूडेंट बाकी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभिजीत यादव आ चुके हैं। प्रिया खातू, सर दिस इज द एकेडमी, देयर आर डिफरेंट टाइमिंग्स फॉर डिफरेंट कोर्सेस, प्लीज वांट टू जॉइन द कोर्स फॉर क्लास, सो प्लीज कैन यू इन्फॉर्म द टाइमिंग्स फॉर दैट क्लासेस। देखिए ऐसा है बालिका जी, प्रिया जी, आई कैन इन्फॉर्म यू अबाउट माई सब्जेक्ट एंड माई टाइमिंग्स। बाकी का मुझे भी ध्यान नहीं है, मुझे पूछना रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने बजे लाइव आते हैं। तो आपके पास एक नंबर दिया होगा कस्टमर केयर का, आप उस पर फ़ोन लगा के पूछ लीजिएगा। अगर मैं कंफर्म करके आपको बता भी दूंगा, जैसे मैथ्स का मुझे पता है, मैथ्स का मैं बता दूं, तो बात बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके शेड्यूल बदलते रहते हैं, तो वो तो फिर आपको एक बार आप जुड़ जाएंगे तो उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर आपके पास स्टडी अड्डा का ऐप है तो उसमें नोटिफिकेशन आती रहती है। यूट्यूब पे भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो इस पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आस्था चौहान जी हाय, प्रिया खातू सर हो गया, ठीक है। तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाकी तो काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रज्ञा अग्रवाल ने होमवर्क किया हुआ है, अच्छी बात है। दैन इज ए इंडियन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ, ये एक मूवमेंट था जिसमें सरकार का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसा कि मैं बताता आया हूँ कि लोकल कम्युनिटीज़ वर जस्ट ट्राइंग टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी, दैट्स वाई दे स्टार्टेड द मूवमेंट। अब इसमें खास जो था लोकेशन वो कर्नाटका थी, कर्नाटका के साथ में आसपास के स्टेट्स थी, और देखते ही देखते पूरे इंडिया में फैल चुका था। तो नवदान्य मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट बिकॉज इट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट, इट वॉज स्टार्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। इसी प्रकार बीज बचाव आंदोलन का भी मैं आपको बता चुका हूँ, चिपको मूवमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ भूमिका जी, यू हैव सबमिटेड, आई हैव सीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर यूट्यूब पे ऐसे बच्चे होमवर्क सबमिट करेंगे ना तो वो सराहना के काबिल है, क्योंकि यूट्यूब पर किसी प्रकार की पाबंदियां नहीं होती है, बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, होमवर्क करें या ना करें। क्लास में क्या है, प्रेशराइज कर सकते हैं, वी कैन मेक देम स्टैंड आउट ऑफ द क्लास, वी कैन गिव देम मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, बट ऑन यूट्यूब वी कांट फोर्स देम। पर फिर भी बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर होमवर्क सबमिट किया है, स्टडी अड्डा पे भी बच्चों ने सबमिट किया है और यूट्यूब पे भी सबमिट किया है। कमेंट सेक्शन में मैं देख पा रहा हूँ कुणाल राठौड़ ने किया है, तो बहुत अच्छी बात है यार, तुम इतना अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो अभी से, क्योंकि जून तक आते आते जब जून स्टार्टिंग होती है ना तो बच्चों का मूड ही नहीं बन पाता है। जिस प्रकार सुबह सुबह बच्चों को उठाए ना, तो उनको अगर किसी काम का दे तो बच्चे आधे घंटे तक तो उठ ही नहीं पाते हैं पानी चाय के लिए, और फिर मूड बनता है कि यार कुछ करा जाए, और सुबह सुबह जब उनको काम बताया जाए तो बिल्कुल काम नहीं करते। तो ऐसा ही जून का है कि जब क्लासेस स्टार्ट होती है, स्कूल स्टार्ट होते हैं, और जून के समय बच्चों को पढ़ने का बोल दिया जाए, होमवर्क करने का बोल दिया जाए, तो बच्चे है ना ऐसा कि सामने वाले का मर्डर कर देगा, उनको ऐसी इच्छा होती है, होमवर्क बिल्कुल नहीं करते। पर यहाँ पर तो मोस्टली स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट, तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए हैं इसमें। भूमिका है या वैष्णवी है, चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे अपना अभिजीत हो, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनको
बहुत मुश्किल होता है कि YouTube पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, स्टडी डब्बे पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो कुछ लोगों के नाम फाइंड आउट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है, पर फिर भी आप लोगों में इतनी काबिलियत है कि आप अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हो। वेरी गुड। अब आज हम चैप्टर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, आज हमारा चैप्टर समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी काफ़ी हो चुका है। वी हैव कंप्लीटेड टू चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी एंड मे बी फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट हिस्ट्री, हम इतिहास स्टार्ट करेंगे। इतिहास के एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में हम सिविक्स पर ध्यान देंगे। तो आगे बढ़े, आपको होमवर्क दे दिया था। अब ये जो प्रश्न है एग्जाम में भी आ सकता है, एग्जाम में अगर नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट आपको एक ऐसी जानकारी मिली जो बाकी लोगों को नहीं पता है। बच्चों ने नवी दान के बारे में बुक में पढ़ा होगा पर उनको बहुत कम जानकारी है। अगर आप से क्लास में ऐसा कुछ प्रश्न पूछा गया जो नवी दान से संबंधित है, यकीन मानिए आपका इंप्रेशन बाकी लोगों पर अच्छा पड़ेगा। अब चिपको मूवमेंट हो गया था, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से टॉपिक हमें स्टार्ट करना था। तो दोस्तों JFM के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उड़ीसा से स्टार्ट हुआ था। सेंटर गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम उड़ीसा एंड गवर्नमेंट वांटेड टू मेक इट श्योर कि लोकल कम्युनिटीज विल इन्वॉल्व इन कंजर्वेशन, दैट्स वाई दे गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन टू लोकल कम्युनिटीज एंड दे मेड द विलेज सिक्योरिटी कमिटी या विलेज कमिटीज टू कंजर्व द फ्लोरा एंड फौना। अब आगे का है, द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास्ड द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब ये हमारे इंडिया में इफेक्ट में कब आया? 1988 में। सबसे पहले 1985 में सरकार ने इसके लिए रिजोल्यूशन पास किया था। कहाँ पर? सेंटर गवर्नमेंट ने। सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि आप अपने स्तर से एक रिजोल्यूशन पास करिए, आप लोगों को तैयार करिए जो जंगलों को संरक्षित करेंगे। तो बस इस पे सबसे पहली जो स्टेप ली वो किसने ली? उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के बारे में आज भी आपने पढ़ा होगा, दो चार दिन पहले भी आपको पढ़ने में आया होगा, 10 दिन पहले भी पढ़ने को आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों में ही तूफान आया था। दोनों में तूफान आने के बाद में बंगाल में ज़्यादा तबाही मची, उड़ीसा में कम तबाही बची। उसके अलावा बंगाल में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ, ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी जी को वेट करवाया, कुछ ही मिनट मिलने के बाद में वो चली गई। फिर मोदी जी उड़ीसा गए, उड़ीसा के CM ने बहुत अच्छे से उनसे बात करी, उन्होंने किसी भी प्रकार का पैकेज नहीं मांगा और ये भी बोला कि कोरोना के समय सेंटर गवर्नमेंट ऑल्सो फेसिंग मेन इकोनॉमिक क्राइसिस, दैट्स वाई वी आर नॉट डिमांडिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प, हम हमारे स्तर से मैनेज कर लेंगे। हाँ, सेंटर गवर्नमेंट अगर देना चाहे तो उनकी मर्जी। वहीं पर इसके उलट ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा पैकेज कहां से मांगा? केंद्र सरकार से, और उल्टा इल्जाम डाला कि केंद्र सरकार हमारे साथ निगोशिएट नहीं कर रही है, हमारे साथ मतलब अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों में ही BJP की गवर्नमेंट नहीं है, पर किस तरीके से सरकार चलाई जाती है और किस तरीके से लीड किया जाता है, ये बेस्ट एग्जांपल है उड़ीसा के गवर्नमेंट का। तो उड़ीसा के गवर्नमेंट में जो CM है काफ़ी पुराने समय से है और वहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट है। उड़ीसा के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी है, खेतीबाड़ी के लिए भी ज़मीन वैसी नहीं है जैसी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी समस्या है, पर फिर भी स्टिल उड़ीसा इज़ फाइटिंग, उड़ीसा के लिए रिस्पेक्ट निकलती है। तो उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले ये काम किया था। ठीक, आगे बढ़ें। JFM depends on the formation of local institutions that undertake protection activities mostly on degraded forest land managed by the forest department. In return, the members of these communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest and share in the timber harvested by successful protection. अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। अब मैं आप लोगों को इंसिस्ट करूँगा, मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोगों के पास बुक ना हो। अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप पहले से ही पैराग्राफ पढ़ के रख लीजिए, जो मैं समझाता हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं पढ़ता हूँ उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। तो आगे क्या बताया गया है कि सरकार ने जवाबदारियाँ दी किसको? विलेज कमिटीज़ को। उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया कि जो आपके आसपास जंगल है, गाँव के आसपास जंगल है, उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? गांव के लोग प्रोटेक्ट करेंगे। अब गांव के लोगों ने बोला चलिए हम प्रोटेक्ट कर देंगे, पर बताइए हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे? सरकार ने बोला यार तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तुम प्रोटेक्ट करोगे तो तुम लकड़ी ले सकते हो, तुम जो भी मटेरियल्स हैं वो ले सकते हो,
पर जंगलों को नुकसान मत पहुंचाना, पेड़ पौधे मत काटना। अब तुम्हें बोल दिया कि लकड़ी ले लो, तो ऐसा नहीं होगा तुम पेड़ काट काट के ही ले जाओ, सूखी लकड़ी ले जाना और नुकसान कम से कम पहुंचाना, क्योंकि पेड़ रहेंगे तो किसका फ़ायदा होगा, तुम्हारा फ़ायदा होगा। और तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, अगर तुम्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अस, अब हमसे मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं ट्रीटी हुई, किसके बीच में हुई, गवर्नमेंट के बीच में और विलेज कमिटीज़ के बीच में, क्योंकि जंगल होने के बाद में फ़ायदा किसको मिलता है, गाँव वाले लोगों को, और गाँव वाले लोग जंगलों पर आश्रित होते हैं, तो गाँव वाले लोगों को लगा कि सही है जंगल समाप्त होंगे तो हमें नुकसान होगा, यहाँ पर कोई सरकार तो ऑक्सीजन लेने आएगी नहीं, सरकार तो सूखी लकड़ी लेने आती नहीं, फल फ्रूट आते हैं तो सरकार तो लेने आती नहीं, फायदा किसको मिलता है, गांव वाले लोगों को। अगर आपके घर के सामने सरकारी रोड के किनारे आम का पौधा है, आम का पौधा अगर पकने के बाद में आम उसमें से गिरेगा तो आपके आंगन में ही गिरेगा, हो सकता है बाहर के लोग भी तोड़ कर ले जाए, तो बाहर के लोग भी कहां के होंगे, आपके मोहल्ले के ही होंगे, आपके शहर के ही होंगे। ऐसा तो नहीं कि लोग अमेरिका से फ्लाइट पकड़ पकड़ के आ रहे हैं यार, चलो अरिजीत आनंद के यहां पर आम पके हैं वहां से खाएंगे, बराक ओबामा बोल रहा है प्रधानमंत्री जी वो अरिजीत आनंद के यहां पर आम पक गया है भिजवा देना, ऐसा नहीं होगा ना भाई, आपको ही बेनिफिट होगा। तो सरकार ने यही बात सब लोगों को समझाई, और ये आपको और हमें भी समझना जरूरी है कि अगर हमारे गली में कहीं कीचड़ है तो उसको साफ करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नगर निगम नगर पालिका वाले तो करेंगे ही करेंगे, बट वो जो कीचड़ है हमने कराया तो उसको साफ करने की सबसे पहले जवाबदारी हमारी, अगर हमको नुकसान नहीं और हम कर सकते हैं तो करिए। और भी जैसे सड़कों पर गड्ढे हो या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो लोकल कम्युनिटीज़ ही उसके पीछे होती है, अगर किसी प्रकार की सरकारी ज़मीन सरकारी पीपल ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, अगर स्ट्रीट लाइट है उसको कोई तोड़ फोड़ रहा है तो कौन फोड़ रहा है, हम फोड़ रहे हैं, तो हमको रोकना चाहिए, प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बस विलेज कमेटी इसी तरीके से काम करती है। अब आगे बढ़े हम आगे, द क्लियर रिलेशन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इससे एक सीधा सा मैसेज निकल कर आता है कि लोकल कम्युनिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, इफ वी आर ट्राइंग टू कंजर्व एनीथिंग तो वी हैव टू टेक द हेल्प फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज। अगर हमें मदद लेनी है तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, लोकल कम्युनिटीज की। क्या बोल रहे हैं अभिजीत यादव जी जो देते हैं, हाँ अरिजीत आनंद के घर के सामने आम है भैया, चलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया है। जय नंदल जी, हाँ अमृत राय, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे तो नहीं समझ पा रहा आ रहा है कि क्या बात कर रहे, व्हाट दे आर टॉकिंग, बट हाँ यू हैव टू हैंडल दिस। और आजकल तो यार एक बहुत बड़ी बात है मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल इंडिया में बकवास करने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है, बहुत कुछ आप बकवास करवा लो, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फिल्में हो, मिक्का सिंह वाला या वो KRK वाला मैटर या सलमान खान वाला मैटर हो, क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक बकवास करने वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, वास्तविक तरीके से काम करने वाले आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। देखा होगा ना जब विराट कोहली मैदान पर क्रिकेट खेलता है तो उसको राय कौन बांटता है, आकाश चोपड़ा नहीं, मेरे हिसाब से विराट कोहली को स्क्वायर कट करना था। अरे भाई तू टेस्ट मैच खेल चुका है यार, वीरेंद्र सहवाग दोहरा मार देता तेरे साथ खेल खेल के, तू 27-28 पे पड़ा रहता था और राय किसको बांट रहा है, विराट कोहली को, मतलब इतना अच्छा स्कोर। तो रायचंद अपने इंडिया में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, बकवास करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, सिर्फ बोलते हैं इनसे होता नहीं। तो देखिए दो सीधे सिंपल से तरीके के लोग आपके आसपास दिखाई देंगे, आपको पहचानना है, एक वो जो बकते हैं जिनसे कुछ होता नहीं और एक जो करते हैं वो बकते नहीं। तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा इंसान बनना चाहते हैं, आप जीवन में बकना ही चाहेंगे या कुछ करके दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो करने का मादा रखता है ना उसको बोलने का समय कभी मिल ही नहीं पाता है, उसके पास इतना टाइम होता ही नहीं कि वो लोगों को बताए अपने आप को प्रूव करे। विराट कोहली थोड़ी बोलेगा कि मैं अच्छा बैट्समैन हूँ, वो तो जाकर पीच पे बताएगा ना, शॉट मार के बताएगा यार मैं कितना अच्छा बैट्समैन हूँ। सोचिए अगर आकाश चोपड़ा की कमेंट्री विराट कोहली जी ने सुन ली और बाद में आकाश चोपड़ा जी को घेर रहे हैं तो क्यों रहे, क्या बोल रहा था उस दिन, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अभी आप देख सकते हो कि सलमान खान के ऊपर राधे मूवी में KRK ने कमेंट करी, सलमान खान ने रिप्लाई कुछ नहीं किया, हाँ केस फाइल किया, बोला नहीं, वरना सलमान खान आकर बोल सकते थे पब्लिकली भाई तू कौन, तूने तो देशद्रोही बनाई, मुझसे कहीं दोयम दर्जे की मूवी बनाई, पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब किसने दिया, मिक्का सिंह जी ने आकर, मतलब दोनों ही वो उधर से भोंक रहे हैं इधर से भोंक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो सिर्फ बकवास करने में यकीन रखते हैं, काम करने में बिल्कुल यकीन नहीं करते, और जो काम कर रहे हैं वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बकवास करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। प्रतीक सोनकर जी, हाउ इज द पार्टिसिपेंट इन NTSC, NTSC बेटा 10th लेवल से होती है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को।
टेंथ लेवल पे आपका है ना स्कूल से फॉर्म भराया जाता है, अगर आप स्कूल से नहीं भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन से भी भर सकते हैं। बट देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। अब ये कब हो पाएगा, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने यही बात मानी कि यार लोकल कम्युनिटीज या जब तक जनता जागरूक नहीं होगी जब तक देश में कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो पर्यावरण के मुद्दे हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, सभी मुद्दों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। और लोग कब इन्वॉल्व होते हैं ये भी सोचने की बात है। लोग होते हैं बेवकूफ़, बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, और ये बेवकूफ़ कब होते हैं जब उन्हें फ़ायदा ना हो, और जैसे ही उनकी फ़ायदे की बात आती है वो हो जाते हैं समझदार। अब यहाँ पर बेवकूफ़ समझदार कैसे बनाए, किसको बनाए, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सरकार क्या करती है, लॉलीपॉप देती है जिसे बोलते हैं लालच, कभी कभी डर पैदा किया जाता है। तो जैसे कि JFM का एग्जाम्पल हमने देखा तो यहाँ पर क्या था, लालच था, उन लोगों को लालच दे दिया गया। उससे पहले हमने बीज बचाओ आंदोलन पढ़ा, चिपको आंदोलन पढ़ा, वहाँ पर क्या काम कर रहा था, वहाँ पर डर काम कर रहा था, उनको ये था कि यार यहाँ पर पेड़ पौधे कट गए तो हमारी जो रोजी रोटी वो छीननी चली जाएगी। तो लोग अपने मतलब के लिए चलते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मतलब के बगैर समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या आपको नाम मात्र की दिखेगी। ओनली 1-2% पीपल विल बी देयर जो बगैर किसी फायदे के बगैर किसी मतलब के सबका भला करने में तुले हुए रहते हैं। तो सरकार ने दो तरह के प्रोग्राम चलाए, ध्यान रखिएगा आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व फ्लोरा एंड फोना। द फर्स्ट वन इज कॉमन रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट्स। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और फ़ायदा भी उनको बता दिया गया, भाई आप सभी लोगों की जवाबदारी है, फ़ायदा होगा तो आपका, नुकसान हुआ तो आपका, हाँ आपकी मदद करने के लिए हम हैं। तो पहले मूवमेंट तो ये हो गए। दूसरे जो थे वो सेल्फ सेंटर्ड मूवमेंट। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है जहाँ पर सरकार खुद जवाबदार है, प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड फॉरेस्ट हमने पढ़ा, यहाँ पर जंगलों की पूरी जवाबदारी किसके कंधे पे है, सरकार के। सरकार ने यहाँ पर पनिशमेंट और बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए जिससे कि वो काबू में कर सके किसको, इलीगल हंटिंग को, पोचिंग को, इंक्रोचमेंट को। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है फॉरेस्ट को। एक्टिविटी है, अगर आप करना चाहे तो देख लीजिएगा, द ट्री इज ए पैक्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बिनोवलेंस एंड मैक्स नो डिमांड फॉर इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सटेंड जेनरसली द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी। इट अफोर्ड प्रोटेक्शन टू ऑल बींग्स ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉय इट। अब यहाँ पर जंगल की महानता के बारे में बताया गया है। भगवान बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है कि पेड़ बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही विनम्र होते हैं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो लकड़ी काटने आता है उसकी कुल्हाड़ी में भी उसी पेड़ की लकड़ी होती है। अब चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनको देख लीजिए, मैं डिस्कस करवा देता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों को तैयार रहना है। जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें अबाउट 50 या 40 क्वेश्चंस विल बी देयर। मैं ऑनलाइन ही आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट में ही आंसर देने रहेंगे। हम यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, सबसे ज़्यादा आंसर किसके दिए गए हैं, किसने सबसे पहले दिए हैं, और जो भी टॉपर रहेगा उसको हम उसका नाम अनाउंस कर देंगे। तो आप तैयारी कर लें, बाद में मत बोलिएगा सर आपने हमें बोला नहीं, यू डिड नॉट इन्फॉर्म अस कि टेस्ट होने वाला है। तो पहला और दूसरा चैप्टर जो ज्योग्राफी का है दोनों का एक टेस्ट होने वाला है, आप तैयार रहें, सरप्राइज टेस्ट है, कभी भी हो सकता है। मंडे को, आज हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से किसी भी दिन हो सकता है। चलिए आगे बढ़े, इधर कुछ डाउट है आप लोगों को, टेस्ट कब भूमिका जी, मैंने बोला ना सरप्राइज टेस्ट, और सरप्राइज टेस्ट सरप्राइज ही होता है ना, सरप्राइज टेस्ट में बताया नहीं जाता कि सरप्राइज कब दिया जाएगा। प्रदीप नागौरी जी ठीक है, ओके, आर्यजीत आनंद तैयार हो जाइए, आप में से जो भी टॉपर रहेगा मैं उसका नाम इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप और ना जाने कहाँ कहाँ स्टेटस में डालूँगा, तो आप वायरल होने वाले हैं।
चलिए कुछ भी डाउट नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसने कितना पढ़ा, कितना पढ़ाई पर ध्यान दिया, किसको कितना याद रहा, एक बार गौर कर लेते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। भाई फ्लोरा एंड फोना के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? पहला एग्रीकल्चर एक्सपांशन, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तीसरा है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, एंड फोर्थ है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? पहले का विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड रीजन, वैलिड रीजन नहीं है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आएंगे या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, एग्रीकल्चर एक्सपांशन आएगा या ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन आएगा, आंसर दीजिए। ठीक है, रेखा चावड़ा जी सी, निशांत शर्मा जी सी, सुधीर सिंह सी। वाह यार सभी लोग सी पे गए हैं, मतलब सी ही होगा। अब अगर देखा जाए तो वैलिड रीजन पूछा गया है, वरना फ्लोरा एंड फोना से नुकसान तो ग्रेजिंग से भी होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है और भी बहुत सारे होते हैं, पर वैलिड रीजन नहीं कह सकते, क्योंकि घास चराने से या जानवरों को चराने से इतना नुकसान नहीं होता कि फ्लोरा और फोना ख़त्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर एकदम सी है। ठीक है प्राची सिंह जी, अभी काफ़ी लोग हैं जो देख रहे हैं लेक्चर और बिल्कुल आंसर देने की बारी आई तो मैदान में कूद गए अभी जी। ठीक है चिंकू कुमार, क्या बात है। भूमिका शर्मा, मैंने तो पहले ही दे दिया था, क्या बात है भूमिका। जब आपसे पूछा जाए ना तब आप आंसर दो तो बहुत बढ़िया होता है, जब आपसे प्रश्न कुछ और पूछा जाए और आप कुछ और आंसर देंगे तो मामला उलझ जाता है। आपने शायद वो जोक नहीं सुना कि दो दोस्त रहते हैं जो इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दोनों ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, फर्क सिर्फ इतना रहता है कि एक उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है जो प्रश्न उससे पूछे जाते हैं और दूसरा क्या करता है प्रश्न को सुने बगैर आंसर देता है। तो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं तो दोनों को वेटिंग करवाया जाता है, दोनों दोस्तों में से पहले को बुलाया जाता है, मान लीजिए ए और बी दोनों इंटरव्यू देने के लिए गए, ए को बुलाया गया, ए से प्रश्न पूछा गया बताइए कि भारत आज़ाद कब हुआ था, तो उसका आंसर था सर स्टार्ट तो 1857 से हो गया था आज़ाद होना, पर सफलता 1947 में जाकर मिली। बोले वेरी गुड, व्हाट आंसर। सेकंड आंसर दीजिए, हमारे देश को आज़ाद किसने करवाया? बोले सर महात्मा गांधी ने करवाया। बोले बहुत बढ़िया आंसर। तीसरा आंसर दीजिए, चांद पर पानी है या नहीं है? तो बोले सर वैज्ञानिकों का तो यही मानना है, साबित करने में समय लगेगा। बोले दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? बोले सर अमेरिका। बोले बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, आप जाकर बाहर इंतजार करिए। बी को बुलाया, जब ए बाहर जा रहा था बी अंदर आ रहा था, दोनों की मुलाकात हुई। बी ने पूछा, क्योंकि हम लोगों की क्यूरियोसिटी भी होती है, जब प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम वाइवा होता है, तो जिन लोगों का वाइवा हो जाता है उनसे हम पूछते हैं भाई बता क्या क्या पूछा तू उससे अंदर, तो सामने वाला हमको आंसर दे देता है और क्वेश्चन ही बता देता है, हमको ये लगता है इससे जो पूछा वही हमसे पूछा जाएगा, पर इतिहास गवाह है कि जो एक से पूछ लिया गया वो वापस कभी नहीं पूछा जाता, और पूछा भी जाएगा तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत बाद में पूछा जाएगा। तो ए ने बोला देख यार समय तो है नहीं, तू आंसर सुन ले। तो पहला आंसर 1857 से 1947, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा क्या बताया उसने वैज्ञानिकों का तो यही मानना है, साबित करने में समय लगेगा, और चौथा आंसर उसने क्या बोला अमेरिका। तो आंसर उसने बता दिया। बी ने आंसर सुन लिया, बी हो गया कंफर्टेबल, भूमिका की तरह पहले से आंसर देने के लिए तैयार था, सामने जाकर बैठाया जो भी इंटरव्यूअर थे, बोले बैठिए, तो बैठ गए। अब उन्होंने पूछा आपका जन्म कब हुआ था, तो बस उसने तो प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया, बोले शुरुआत तो 1857 में हो गई थी, सफलता 1947 में जाकर मिली। अब जो इंटरव्यूअर थे, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, वो काफ़ी सरप्राइज हो गए, यार ये क्या आदमी है यार, सफलता 1947 में मिली। बोले आपके पिताजी का नाम? बोले महात्मा गांधी। बोले कहीं आप पागल तो नहीं है? बोले हाँ वैज्ञानिकों का तो यही मानना है, साबित करने में समय लगेगा। बोले भाई साहब आप आए कहाँ से हो? बोले अमेरिका से। तो प्रश्नों को सुनने के बाद में उत्तर देना ज़्यादा उचित रहता है, प्रश्नों को सुनने बगैर उत्तर देना काफ़ी गलत हो जाता है, तो पहले प्रश्नों को सुनिए फिर उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं कितने लोगों ने स्माइल फेंकी है इस जोक पे, क्योंकि ये जाकर सुनाएंगे आज अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को बच्चे। लगभग सभी खिलखिलाते हुए। भूमिका भी एक बार मुस्कुरा दे ताकि मुझे लगे भूमिका को अच्छा लगा। भूमिका एक स्माइल फेंके। स्टडी अड्डा पे देखे किस किस की स्माइल आ रही है। आई 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 भूमिका मुस्कुराई। चलिए ठीक है आगे बढ़े। हाँ स्टडी अड्डा पे भी लोग मुस्कुराते हुए हैं लाइन से। चलिए और कुछ समझ में नहीं आया? जोक तो समझ में आया।
अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां पर डायरेक्टली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, कौन सा है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन या डीमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बताइए इसका आंसर क्या है? डीमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, या चिपको मूवमेंट है, या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, या बीज बचाओ आंदोलन है आंसर? हाँ, अब भूमिका शर्मा ने बिल्कुल प्रश्न को सुनने के बाद में ही आंसर दिया है, उसने कसम खा ली थी कि अब प्रश्न सुनने के बाद में ही मैं बटन दबाऊंगी, और बिल्कुल सही आंसर दिया है डी, प्रांची का भी डी, मतलब कि यहाँ पर लगभग लगभग सभी लोगों को आंसर पता है, सभी लोग टॉपर्स ही हैं जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, सभी लोगों का पेपर में तो फोटो छपेगा ही छपेगा, मुझे लगता है रेडियो में भी फोटो छप जाएगा कि ये है 98.3 FM रेड FM जिसमें आप फोटो देख नहीं सुन पा रहे हैं, और ये है इस साल के टॉपर, तो क्या बात है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ पर ब्लैक बक, एशियाटिक एलिफेंट, अंडमान वाइल्ड लाइक अंडमान वाइल्ड पिक, हिमालय ब्राउन बियर और पिंक हेड डक, कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस में एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और एंडेमिक, मैच द कॉलम करो जल्दी, देखते हैं सबसे पहले मैच द कॉलम कौन करता है, इधर आप लिख देना 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर ए बी सी डी ई, अब करो मैच जल्दी, मैच द फॉलोइंग, ये तो नीचे वाला है, देखते हैं सबसे पहले मैच दो कौन करता है, ऐसा नहीं पूरी पूरा पूरा कॉलम बनाओ, ए के सामने पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऐसा बनाओ जल्दी, अंकित यादव एक एक नहीं सारे आंसर दो, वाली सारे अंकित यादव सारे, निशांत शर्मा ये एंडेंजर्ड किसका माने, तू खुद एंडेंजर्ड है क्या बालक, पूरा बना जैसा हम लिखते हैं एग्जाम में, लोकेश ठीक है, मोहम्मद आदिम मंसारी सही आंसर, आयुषी का सही आंसर था, इंतखाब आलम बिल्कुल सही आंसर है बालक, अब मैच द कॉलम बनाओ जल्दी, देखते हैं सबसे पहला आंसर स्टडी अड्डा से निकल कर आता है या फिर यूट्यूब से निकल कर आता है, और किसका निकल कर आता है, एक ऑप्शन नहीं पांचों ऑप्शन होने चाहिए, जैसे वन का बी है कि सी है ऐसे पांचों, समय ले, हाँ पहला भूमिका शर्मा का है, पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का ई और पाँचवें का डी, स्टडी अड्डा पर अभी नहीं आया है, भूमिका का पहला देखें ब्लैक बग एंडेंजर्ड है, एशियाटिक एलिफेंट क्या लिखा है इन्होंने, 2B अंडमान वाइल्ड लाइफ पिक ठीक है, अंशी पांडे का भी आया, पर तुम्हारे दोनों के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, अंशी का अलग आंसर है, भूमिका का अलग है, अभी का और अलग आ रहा है, नहीं अभी का सही है ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, अब मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा, देखिए अब हम कहाँ चलेंगे, जहाँ पर हमारे पास लिस्ट थी वहाँ पर ही चलेंगे हम, क्योंकि तुम लोग अलग अलग आंसर दे रहे हो सब, तुम्हारे पास वही बुक है पर तुम अलग अलग आंसर दे रहे हो, इसलिए हमको वहीं जाना पड़ेगा जो बुक है, ये हो गए हमारे पास पांच ऑप्शन, नॉर्मल स्पीसीज एंड डेंजर्ड स्पीसीज, अब हमें देखना है यहाँ से कॉपी करें हम कौन कौन से जानवरों के बारे में पूछा गया है, तो एक एक को लेकर चलते हैं, देखिए ब्लैक बक और एशियाटिक एलिफेंट, पहले ब्लैक बक और एशियाटिक एलिफेंट, ब्लैक बक एशियाटिक एलिफेंट दोनों ही देखना, अब ब्लैक बक कहीं दिख रहा है क्या आपको, देखिए ये रहा ब्लैक बक, किसमें है एंडेंजर्ड स्पीसीज में, और एशियाटिक एलिफेंट आपको कहां दिखेगा, ये रहा वल्नरेबल में, तो एशियाटिक वल्नरेबल हो गया और ये एंडेंजर्ड हो गया, एशियाटिक वल्नरेबल और ब्लैक बर्ड एंडेंजर्ड,
अब अंडमान वाइल्ड टिक और हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ब्राउन बियर रेयर हो गया। और एंडेमिक, रेयर, अंडमान निकोबार, अब देखें किसका सही है। प्रीति धुरिया पहला का क्या करा इन्होंने, सी, ठीक है प्रीति धुरिया का सही है। अभी का भी वन सी, टू बी, टू बी नहीं गलत है भैया, अभी गलत है, देखो चेक करो एक बार, चेक करो, तुम्हारे सामने बनाया है मैंने इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम उलझें, आपने अलग अलग बुक में से देखा हो। हाँ ये बुक में से देखना था, ठीक है आपके सामने आंसर हो गया क्लियर। अब मैच द फॉलोइंग रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ये आपके सामने है, ये आपको आता भी है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स, ये आपको देखना है, एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, कर लीजिएगा। उसके अलावा बुक के अंदर से जो भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको नोट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो स्टडी अड्डा के ऐप से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते थे, उनके उत्तर कहाँ कहाँ पर है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस करवा चुका हूँ चैप्टर को पढ़ाने के दौरान। हाँ काफ़ी ज़्यादा दिन लग गए हमें, एक या दो दिन ज़्यादा लग गए चैप्टर कंप्लीट करने में, बट मेरे हिसाब से कुछ भी बाकी अब रहा नहीं है। तो नाउ दिस चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड, कल से हम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल आपका टेस्ट भी हो। तो यहाँ पर आपको स्लाइड पर सिर्फ एक प्रश्न दिखेगा, अभी क्या हो रहा था कि आपको दो प्रश्न दिख रहे थे, तो आप पहले से आंसर तैयार कर रहे थे और आपको ये भी मालूम था कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर कहाँ पर है, पर अब आपको ना तो प्रश्न के बारे में पता है, ना ऑप्शन के बारे में पता है, और कौन सा प्रश्न किस नंबर पर आएगा ये भी आपको नहीं पता है। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हाँ कुणाल राठौर बहुत सही आंसर, दिव्यांशी जिंग ने भी आंसर दिया है, सृष्टि ने दिया है, समृद्धि अग्रवाल ने दिया है, हाँ स्टडी अड्डा से भी रुझान आते हुए काफ़ी बच्चे हैं जो बिल्कुल लगे हुए हैं आंसर देने में। तो जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, चाहे स्टडी अड्डा हो या फिर YouTube हो, सभी लोग सुन लीजिए, आपका टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक स्लाइड पर एक ही प्रश्न आएगा और यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि सबसे ज़्यादा आंसर किसके द्वारा दिया गया है। हो सकता है समय लग जाए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए, दो दिन लग जाए, तीन दिन लग जाए, पर सभी लोग तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड चैप्टर ऑफ जियोग्राफी। टुमारो या मे बी डे आफ्टर टुमारो, कल अगर टेस्ट हुआ तो डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट हिस्ट्री, हिस्ट्री में हम नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों चलें, कुछ डाउट डाउट है आपको, कुणाल राठौर अभी अभय सोलंकी, ठीक ओके सर, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भूमिका जी, जोक सुनाइए दोस्तों को, जोक बताइएगा आज का, फिर कभी आपको कोई और जोक सुनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हम कहीं ना कहीं से हैं, कोई स्टडी अड्डा से है तो कोई यूट्यूब से है तो कोई एमपी से है, कोई बिहार से है, पर सभी इंडिया से हैं।